नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के पौश इलाके स्थित एक घर में लगी आग, दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। जालंधर के लम्मा पिंड स्थित सेवा केंद्र को चोरों ने बनाया निशाना, 16 से अधिक बैटरियां, डीवीआर और कीमती सामान चोरी कर हुए फरार। जंडियाला गुरु के नजदीकी गांव गुनोवाल में एक गरीब परिवार के घर में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के ग्रीन मॉडल टाउन में सुबह करीब 10:30 बजे एक घर में आग लगी। जिस समय घर में आग लगी उस समय करीब परिवार के 6 सदस्य घर में मौजूद थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे व पुरुष भी शामिल थे। कमरे में आग लगी देख परिवार के सदस्य जल्दी से घर से बाहर निकले और तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं दमकल विभाग के अधिकारी राजेंद्र कुमार सहोता ने बताया कि मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर में रखा फर्नीचर व अन्य सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं पीड़ित राजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सुबह उनके बेटे ने कमरे में आग लगी देखी, जिसके बाद सभी सदस्य घर से बाहर निकल गए। फिर दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। आग लगने से किसी का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर का सामान जलने से काफी नुकसान हो गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲਏ ਬਾਹਰ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਰ ਜੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਪਾਪਾ ਧੂੰਆਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ। जालंधर के लम्मा पिंड में स्थित सेवा केंद्र में देर रात चोरों की ओर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां से चोर लाखों रुपयों का सामान चोरी कर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेवा केंद्र में काम करने वाली महिला कर्मचारी किरण ने बताया कि उसे सुबह 8 बजे के करीब फोन आया कि सेवा केंद्र के सभी गेट टूटे हुए हैं, और जब वह सेवा केंद्र में पहुंची तो देखा कि सेवा केंद्र में चोरी हुई है। उसने बताया कि सेवा केंद्र में पड़ी 16 से भी अधिक बैटरियां, डीवीआर और अन्य कीमती सामान चोरी हो चुका है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह 8:30 बजे कॉल आई थी कि जालंधर के लम्मा पिंड सेवा केंद्र में चोरी हुई है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जल्द ही बनती कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 8:30 बजे सानू कॉल आ गया कि दरवाजे टूटे हुए हैं। जो साडा स्टाफ सारा आया तो उदो दरवाजे खोल के देखे तो बैटरी 16 बैटरियां यूपीएस की, एक जनरेटर की बैटरी थी, एक डीवीआर नहीं थी। अच्छा, ये अक्रॉस कितने बजे की घटना थानू? सवेरे 8:30 बजे आके देख देते तो नहीं है कुछ भी नहीं चोरी हो। ये सानू पता लगा कि रात में सेवा लम्मा पिंड सेवा केंद्र शाहपुर में इतों मतलब 16 बैटरियां, एक डीवीआर ते एक जनरेटर की बैटरी, उसमें 16 बैटरियां चोरी हुई हैं, ते कंप्लेन लगी है ते बंद कर रखा है। गहरी धुंध के चलते नेशनल हाईवे पर रोजाना कोई ना कोई हादसा हो रहा है। नए हादसे में जालंधर पठानकोट रोड पर स्थित नूरपुर अड्डे पर सरसों के तेल से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यातायात जाम हो गया। तो वहीं ट्रक ड्राइवर चरणजीत सिंह ने बताया कि वे अहमदगढ़ से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में नूरपुर के पास गहरी धुंध के चलते ट्रक पलट गया। ट्रक में सरसों के तेल के पीपे थे। वहीं उन्होंने कहा कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, पर आर्थिक नुकसान काफी हुआ है। गौरतलब रहे कि गहरी धुंध के चलते रोजाना कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम चरणदीप सिंह है जी। ये
ਕਿ ਟਰੱਕ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਤ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਜੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮਾਲ ਲੀਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਕਪੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ गत रात्रि जंडियाला गुरु के नजदीकी गांव गुनोवाल में एक गरीब परिवार के घर को आग लग गई, जिस कारण सारा सामान जलकर राख हो गया। इस मौके पर पारिवारिक सदस्य राजविंदर सिंह और गांव के गणमान्यों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गत रात्रि वे अपने परिवार के साथ गुरुद्वारा साहिब में गुरमत समागम में गए हुए थे कि पीछे से घर में शॉर्ट सर्किट लग गई, जिस कारण टीवी, फ्रिज, बेड, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर आदि सारा सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। राजपिंदर सिंह की गल हुई बत्ती तो हो गया काम की चमका जो मारे तो अग लग गई जी। घर च कोई हैगा जी अग लगी है? नहीं, गुरुद्वारा साहब गए, मैं ते काम ते गया। अच्छा, ते घर दे गुरुद्वारा साहब गए? हां जी। ते तुहानू किन दसया? लाइट रात दी बंद ही आई जो शॉर्ट सर्किट होया ना फ्रिज नू लगी अग ते फ्रिज तो इन्हां दा सारा नुकसान हो गया ते बहुत ज्यादा नुकसान होया। गरीब परिवार आ, दोबारा ये चीजा नहीं बनवा सकते। गत रात्रि जालंधर में संडे मार्केट के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दरअसल देर रात संडे मार्केट में फड़ी लगाने वाले दुकानदारों को सूचना मिली थी कि पुलिस और निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते घने कोहरे में जहां लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, वहीं फड़ी वाले सड़कों पर निगम और पुलिस की कार्रवाई के डर से रात गुजार रहे थे। वहीं रेहड़ी वालों का कहना था कि उन्हें पता था कि रात को प्रशासन द्वारा मार्केट में डिच चलाकर कार्रवाई की जाएगी, इसी के चलते वे पहले से ही सड़कों पर बैठे हुए थे। तो वहीं इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद थानाचार के प्रभारी हरदेव सिंह ने बताया कि निगम की टीम मार्केट में सफाई करने आई थी, लेकिन किसी ने इनमें झूठी अफवाह फैला दी कि निगम द्वारा इनकी फड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते वे यहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि निगम प्रशासन का मार्केट तोड़ने का कोई प्लान नहीं है, यह झूठी अफवाह फैलाई गई है, जिसके चलते ये लोग पैनिक हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस मार्केट को खाली करवाने का मुद्दा पहले भी कांग्रेस सरकार के समय पर उठा था, तब इस मार्केट को शास्त्री चौक के पास शिफ्ट करने की कवायद चली थी, लेकिन आगामी चुनावों के चलते इस मुद्दे को आने वाली सरकार की झोली में डाल दिया गया था। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। वख-वख पार्किंग, वख-वख वेंडर्स वास्ते जगह थावां निश्चित कीतियां गईयां ने। ये जिहड़ियां थावां ने जिहड़ा वेंडर एक्ट 2014 सुप्रीम कोर्ट दा मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे अध्यक्षां दे उत्ते बनाया गया, उहदे तहत जिहड़ियां थावां ने उह निश्चित कीतियां गईयां ने। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋਨਟ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੀ ਪੀ ਆਰ ਮੌਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੈਂਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਦਾਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਔਫ ਸੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸੁਦਾਮਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ, ਸਾਰੀ ਫੇਮਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ,
पर फिर अज मीटिंग वगैरह उन्होंने की, उन्होंने समझाया सारा कुछ करके बिल्कुल एग्री ने, तो उत्थे असीं प्रॉपरली जिहड़ी सफाई वगैरह करवा रहे हैं। तो संडे बाज़ार बारे की सोचा गया सर? संडे मार्केट के संडे जो मार्केट जी लगनी है, संडे बाज़ार जिन्होंने कहते हैं, वो जी लगना वो सामने भी जगह असं निश्चित की है। वो हूँ अगे मान योग जो कमिश्नर साहब ने उन्होंने जगह बारे दस दिता है, हम जो लास्ट डिसीजन उन्होंने लेना है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में आयोजित हो रहे 148वें श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के तहत आयोजित हो रही श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को सीनियर वर्ग की गायन प्रतियोगिता अटारी बॉर्डर अमृतसर के गांव महावा के सुखमन सिंह ने जीती। इसी तरह जूनियर वर्ग की स्वर वाद्य स्पर्धा बरेली उत्तर प्रदेश की मनरीत कौर ने जीती, जिसने वायलिन पर राग जोग प्रस्तुत किया। हरिवल्लभ संगीत प्रतियोगिता के नियमानुसार सीनियर कैटेगरी के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले वर्ष बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के मुख्य मंच पर प्रस्तुति देते हैं। अब गायन प्रतियोगिता जीतने वाले सुखमन सिंह अगले वर्ष हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के मुख्य मंच पर होंगे। इससे पहले संगीत प्रतियोगिता के दूसरे दिन की शुरुआत डायरेक्टर SS अजीमल, संगतराम उपाध्यक्ष डॉ. कुलविंदर दीप कौर, संगीत प्रतियोगिता की टीम व निर्णायकों ने ज्योति प्रज्वलित करके की। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित इस प्रतियोगिता की शुरुआत स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल JP नगर के विद्यार्थियों ने शब्द गायन से की। इसके बाद सरस्वती वंदना और हरिवल्लभ वंदना भी प्रस्तुत की गई। जूनियर कैटेगरी की संगीत प्रतियोगिता में 8 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति से पूरे वातावरण को मधुर स्वर लहरियों के रंग में रंग दिया। सीनियर कैटेगरी में 19 प्रतिभागियों ने ख्याल गायन प्रस्तुत कर माहौल को सुरमयी बना दिया। इस मौके पर रोमेश मोदगिल, महेश दीक्षित, डॉक्टर ज्योति मित्तू, मदन राणा, डॉक्टर अशोक उपाध्याय, डॉक्टर पूनम शर्मा, डॉक्टर सुधा शर्मा, वंदना शर्मा, डॉक्टर लता, विमलजीत कौर, गीता बावरा, मोहनदीप, किरण बावरा, VK गुप्ता व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, मैं सतगुरु प्रताप सिंह जी को भी कीर्तन करते सुना है, मैंने सतगुरु महाराज जगजीत सिंह जी को भी सुना है। हाँ, मैं कहता हूँ जितना नामधारी संप्रदाय का पंजाब में योगदान है संगीत के लिए, हमारे बहुत खुशकिस्मती है कि ये महाराज यहाँ हुए, यहाँ संगीत की नदियाँ बह रही हैं। जब ये लोग बैठते हैं स्टेज पे तो लगता है कि स्टेज सज गई है। ये बाकी भी जो और उनके साथ आए हैं, उन्होंने भी किसी से कम नहीं परफॉर्म किया, बहुत अच्छा है, परमात्मा इनको और भी अच्छा गुण दे। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते क्षेत्र अशोका चौक में एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 लड़के जा रहे थे, जिनमें मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे लड़के ने एक पिस्तौल नुमा हथियार को सरेआम अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। इस दृश्य की वीडियो किसी राहगीर द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिसके बाद ये वीडियो पुलिस के ध्यान में आते ही पुलिस कमिश्नर की ओर से इन नौजवानों को जल्द से जल्द ट्रेस करने के लिए हिदायतें दी गई, जिसके बाद थाना सिविल लाइन के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमनदीप कौर और उसकी पुलिस पार्टी ने हर पक्ष से जांच करने के बाद तीनों नौजवानों को काबू कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ADCP सिटी 2 प्रभजीत सिंह विर्क ने बताया कि पकड़े गए नौजवानों की पहचान गगनदीप सिंह निवासी गुरु नानक कॉलोनी तरन तारण रोड अमृतसर, कबीर सिंह निवासी कोट मंगल सिंह तरन तारण रोड अमृतसर और दिलराज सिंह निवासी बाबा दीप सिंह कॉलोनी तरन तारण रोड अमृतसर के तौर पर
हुई है। पुलिस द्वारा जांच करने पर पता चला कि ये पिस्तौल खिलौना थी। उक्त युवकों ने खिलौना पिस्तौल रंजीत एवेन्यू डी ब्लॉक में लगे मेले में से खरीदी थी, जिसके बाद तीनों नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल और खिलौना पिस्तौल बरामद कर ली गई। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे से बाहर होकर ऐसे काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी असं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तुम सारे पता ही हैगा कि परसों एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई सी जी अपनी क्रिसमस डे के उत्ते कि तीन ट्रिपल राइडिंग करते हुए मुंडे एक वैपन जोड़े हवा च लहरा रहे थे क्रिस्टल चौंक से सगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और इमीजिएटली जड़ा सीगा सी पी साहब ने यह सख्त नोटिस लिया और असी इमीजिएटली इनू जिदा भी साढ़े नोटिस चाहिए इनू असी इनू जी है अपनी इनवैसटिगेशन स्टार्ट करती। सो इनवैसटिगेशन स्टार्ट करते हुए असी जड़ा हैगा इन्हां तिना बंदे नू फॉलोअप किया और उस मोटरसाइकिल के नंबर नू फॉलोअप करदे पता लगा कि जड़ा नंबर जड़ा सीगा इन्हां दा किसी होर मोटरसाइकिल नू भी लगा होया सी, वह भी मोटरसाइकिल जड़ा सीगा असी वेर के ट्रेस कर लिया है। सो ये जेडे तीन बंदे जेड़ा गगनदीप सीगा कबीर सिंह दिलराज सिंह सीगा ये तिने बंदे जेडे सीगे इत्थे अपने वंडर कार्नर चल रहा है रणजीत एवन्यू डी ब्लॉक के उत्थे आए सीगे ते उत्थे इन्हां ने जेड़ा एक सीगा टॉय पिस्टल जिन्हों कहिंदे खिडौना पिस्तौल जेड़ा हैगा वो इन्होंने उत्थों खरीदया सीगा और खरीदते हुए जदों ये जा रहे सीगे ते उदों मुंडे ने किसी ने हाथ च कर लिया ते इहदी जेड़ी वीडियो पिछों जेड़ी सीगी वो बनाई गई है गड्डी दे विचों और ये जेड़ी वीडियो फिर वायरल हो गई। सो इमीजिएटली सारी इनवैसटिगेशन करके तिना बंदयां नूं जिहड़ा हैगा असी जिहड़ा हैगा आ फड़ लिया हैगा और इन्हां दे कोलों जिहड़ा खिडौना पिस्तौल सीगा वह भी चंगी तरह चैक करके वेरीफाई करके अपनी टैक्निकली जिहड़े हैगे साडे आर्मर उन्हां तों भी चैक करवा के पता कर लिया कि वाकई ही खिडौना पिस्तौल सीगा। सो इस तरह करके जिहड़ा बड़ा वड्डा एक अपना सोशल मीडिया के उत्ते चल रहा सीगा कि अमृतसर दे विच हथियार घुमा के लै गए जिदा सी पी साहब उन्होंने जी जियो टॉलरेंस टूवर्ड्स जी है आम दरख्त हैगी है कि कोई भी बंदा जिहड़ा इदा दहशत पाँदा ज कुछ भी करता उन्होंने जिहड़ा इमीजिएटली सख्त कार्रवाई करते हुए इन्होंने तिना जिहड़ा हैगा असी राउंड अप करके पुछगिछ की और इनका खिडौना पिस्तौल जिहड़ा सीगा वह भी कर लिया और साथ ही साथ मैं तुहानू सारे अपील करदा कि जदों भी कोई ऐसी इनफॉर्मेशन तुसीं शेयर करदे हुंदे थोड़ी जी मतलब इहदी जिहड़ी हैगी आ वेरीफिकेशन जिहड़ी हैगी आ जरूर कर लिया। संस्कृत भारती पंजाब के जालंधर विभाग द्वारा वात्सल्य योग ग्राम टांडा मार्ग में गीता जयंती के अवसर पर श्री गीता जयंती महोत्सव का आयोजन भव्य दिव्य रूप से किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान आए हुए गणमान्यों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आरंभ किया गया। आचार्य भगवती प्रसाद देवराड़ी ने गीता पाठ का पारायण कराया। कार्यक्रम में गीता ज्ञान गोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर त्रिलोचन शर्मा, पूर्व प्राचार्य सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय खन्ना ने सभी को गीता के ज्ञान से ओतप्रोत किया। इसी बीच विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्रों ने गीता के श्लोकों को सुनाकर संपूर्ण सभा को मोहित किया, जिसमें एपीजे स्कूल टांडा मार्ग के छात्र एवं छात्राओं ने गीता श्लोक को सुनाते हुए समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पूजा पराशर, प्राचार्य एसडी कॉलेज ने वेदों के ज्ञान को लेकर संपूर्ण सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एपीजे स्कूल टांडा रोड का भी विशेष योगदान रहा। इस कार्यक्रम में गोपी शर्मा, मंजुला शर्मा, राजेंद्र शिंगारी, शीतल चड्डा, डॉक्टर प्रदीप भंडारी, डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर सतीश शर्मा, विजय गुलाटी, अजय मल्होत्रा, ओम प्रकाश डोगरा, राजपाल महाजन, अजय कालिया, जोगिंदर पाल, अमरजीत बिट्टू, रमेश चुग, दास महेश, संजीव शर्मा, हंसराज मिश्रा, सचिन चड्डा, अरविंद तिवारी, नीलाब नागर, संतोष पोखरियाल और सरोज पाला मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जब इतनी गहराई से गीता को समझाने की हमें कोशिश कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि जब ये बच्चे मेरी उम्र में पहुंचेंगे तो ये क्या होंगे। मैं दिल की गहराइयों से इनकी माताओं को, इनके पिता, सभी को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ अपनी पूरी भारतीय संस्कृति की तरफ से। डॉक्टर सतीश शर्मा जी जो पंजाब संघ के कार्यकारिणी मेंबर हैं, विजय गुलाटी जी,
नगर प्रमुख हैं संघ के और हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी, प्रिंसिपल रोचन शर्मा जी जो खन्ना से हमें आशीर्वाद देने, हमें ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाने के लिए यहाँ पधारे, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में संत समाज भी आज उपस्थित हो गया। प्रभु की कितनी कृपा है, विपूर्ण नारी शक्ति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से ये आयोजन और संस्कृत भारती की तरफ से। मैं खास करके बच्चों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर प्रस्तुति की और कामना करता हूँ ये आने वाले हमारे भारत की शान होंगे। और यहाँ मातृशक्ति से मैं अनुरोध करता हूँ भी अपने बच्चों पर भी ऐसे संस्कार, और भी जो माताएं हैं वो ऐसे स्कूलों में बच्चे डालें जहाँ पर संस्कृत का प्रचलन है, संस्कृत की विद्या है।